नमस्कार दोस्तों, आज के लेसन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे फिल्म शक्ति का एक गीत, किशोर कुमार और लता जी का गाया हुआ गीत है। इसको आनंद बख्शी जी ने लिखा है और आर डी बर्मन जी ने इसका म्यूज़िक कंपोज किया है। गीत के बोल हैं, जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। ये एक पॉपुलर सा गीत है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको बजाना, तो बस दो तीन लाइनों में इसका मुखड़ा और दो तीन लाइनों में इसका अंतरा, इतना हम लोग सीख लेंगे। और हमेशा की तरह सी की के हारमोनिका को बेस मानते हुए, यानी सी का जो नोट है उसको हम लोग सरगम नोटेशन में सा फिक्स करके नोटेशन लिखेंगे, यानी कि सी सा होगा और जहाँ रे है वो डी का नोट होगा इस तरह से। तो ओरिजिनल जो सॉन्ग है उसमें जो स्टार्टिंग नोट है मेरे हिसाब से वो बी फ्लैट या ए शार्प जो नोट है वहाँ से है स्टार्टिंग, लेकिन उसको थोड़ा सा लोअर करके बजाने की आसानी के हिसाब से मैं आपको ए नोट से बजा रहा हूँ, यानी कि ध का जो नोट है वहाँ से। तो थोड़ा सा बजा कर दिखा देता हूँ और उसके बाद नोटेशंस हमेशा की तरह। ये मुखड़ा और उसके आगे कुछ इस तरह से बजेगा। पहली लाइन मुखड़े की शुरू करते हैं, जाने कैसे कब कहां इकरार हो गया। धागा धागा धनी सानी ध सा अपर ऑक्टेव का, धागा धागा धनी सानी ध ध धागा गा पापा मा। गा पापा मा, हम सोचते ही रह गए, मा मा मगर सारे गसा मामा मगर सारे गसा और प्यार हो गया। अपर ऑक्टेव का सा, सा सारे सा ध ध ध निधपा, यहाँ पे नी निधपा एक साथ आपको बजाना है, तो अब वहां स्लाइडर लगेगा क्योंकि कोमल नी का नोट है। धा 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 निधप सा सारे सा धा 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 निधप, तो ये मुखड़ा पार्ट हो जाएगा और उसके आगे दो लाइनों का अंतरा, उसी को रिपीट करना है। गुलशन बनी गलियां सभी, फिर से ध नोट से, धानी सारे सा और रे अपर ऑक्टेव के, धानी सा
सारे गरे गरे धनी सारे धनी सा रे गरे फूल बन गई, गरे सानी सा कलियां सभी, गरे सानी सा सारे साध ध। उसके आगे फिर मुखड़े की तरह बजाना आपको। लगता है मेरा सहरा धागा धागा धनी सानी धन, तैयार हो गया धा धा ग प पा म ग प पा म। हम सोचते ही रह गए। तो फिर ये बस इतना ही है सॉन्ग, इसी को आपको रिपीट करना है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा सा एक लेसन आपके लिए आज। इसको आप ज़रूर बजा कर देखिए, और अगर आपको सही लगता है तो लाइक कीजिएगा, और अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने फरमाइशें लगातार भेजते रहिए। और कोई सवाल आपका हो तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से आपको जवाब देने की। तो बस ऐसे ही अपनी संगीत की जर्नी जारी रखिए, अच्छे अच्छे गीत चुनकर बजाने की कोशिश कीजिए, और खुद से भी कोशिश करते रहिए लगातार। जो भी गीत आपको पसंद आते हैं तो धीरे धीरे आपको नोट्स की पहचान बढ़ेगी आपकी, और एक इसमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी ये सॉफ्टवेयर और एप्स उतने कुछ हद तक आपकी मदद करते हैं, लेकिन पूरी तरह से तो आपकी ईयर ट्रेनिंग ही आपको आगे ले जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस लेसन को, इस वीडियो को देखने के लिए, और आज का ये लेसन यहीं पे एंड करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगले लेसन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।